वो जो अपन हेमर रोटी तैयार की थी दही और चावल से, वो अपने इन बालों की लेंथ से लेके जड़ों से लेके लेंथ तक लगाएंगे। और आप देख लीजिए किस तरह से लगाना है। थोड़े थोड़े पार्ट लेके अपने लगाएंगे, थोड़ा इजी से लग जाएगा। इनके क्या है, डैंड्रफ की समस्या है बालों में, थोड़ा रफनेस भी है बालों के अंदर, तो ये क्या है, इस चीज़ से सारी चली जाएंगी। पर इसके अंदर रख लेते हैं तो इसके क्या कपड़ों पे नहीं गिरेगा ये। पास करो थोड़ा इस तरह से, और फिर अपने यहाँ से शुरू करेंगे बीच से। ब्रश ले लेंगे, वरना अपने हाथ से भी कर सकते हैं, ब्रश नहीं है तो इस तरह का वैसे मिल जाता है ब्रश इजी से। अपने इस तरह से फिर इस तरह अपने लेके अपने लगाते जाएंगे अच्छे से जड़ों में। पहले जड़ों जड़ों में लगा लेंगे, फिर बाद में उसके बाद में पूरे सर के लगने के बाद में पूरी लेंथ तक नीचे तक लगाएंगे। ये अपने खुद से भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहो तो, दूसरी सहायता से लगाओगे तो रिजी लग जाएगा थोड़ा। देखिए अपने एक साइड का हो चुका है, अब अपने ये वाले इधर कर देंगे जो हो चुके हैं। अब अपने दूसरी साइड जाएंगे। ऐसे लगाए तो क्या है, अपनी एक एक तो इक्वल लगेगा, सारे बालों में अच्छे से लग जाएगा, वरना अपना अपना तरीका है सबका लगाने का। थोड़ा सा लिक्विड ही है, थोड़ा ध्यान से लगाएंगे भी थोड़ा चेहरे पे ना जाए। और हफ्ते में दो बार बाल हैं आपके, थोड़ी बालों की समस्या है वो धीरे धीरे, एक बार से तो ये लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने दो बार तीन बार लगाएंगे तो अपने रिजल्ट पता चलेगा। और ये लगाने के बाद अपने को एक से दो घंटे, डेढ़ घंटे, घंटे कम से कम रखना है, उसके बाद सादे पानी से जैसे भी फिर अपने धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। और अगले दिन आप शैम्पू कर सकते हो।
ये हमने इस तरह से लगा लिया सारे बालों में। इसको फिर अपने बालों को जूड़ा बना के एक घंटे तक अपने रख देंगे, ठीक है। इस तरह से अपने हफ्ते में दो बार लगाएंगे तो अपने बालों को चढ़ के अपने आप को आप देख सकते हैं, ठीक है। बाय।